क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बजरंग दल के शौर्य संचलन से शहर हुआ भगवामय, लोगों ने लगाए भारत माता जय के नारे। युवक के हाथ पैर बांधकर डंडे से पीटा, पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल। पूर्व केंद्रीय मंत्री जनसंपर्क अभियान पर राज्य सरकार पर साधा जमकर निशाना। चोरों के हौसले हुए बुलंद, डिलीवरी कंपनी में लाखों का सामान लेकर हुए फरार। तेज रफ्तार बस ने मारी वाहन को टक्कर, 15 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। खबरों के साथ मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर नालंदा से है, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा गीता जयंती के उपलक्ष्य में बिहार शरीफ मुख्यालय के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में शौर्य संचलन निकाली गई। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाबरी विध्वंस से लेकर सामाजिक समरसता एवं हिंदू जन जागरण का प्रतीक है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नालंदा के द्वारा आज नालंदा के बिहार श्रीनगर में सौर संचलन निकाला जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है, हम लोग 6 दिसंबर के दिन बाबरी विध्वंस हम लोगों ने मिलकर किया था, उसके बाद अब हम लोगों ने राम जन्मभूमि को हासिल कर लिया है। तो अब हम लोग गीता जयंती के उपलक्ष्य में सौर संचलन का कार्य हम लोग प्रत्येक वर्ष करते आ रहे हैं और आगामी भी करते रहेंगे। गीता जयंती के दिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ध्वंस हुआ था और तब से लेकर आज तक जितनी भी गीता जयंती हुए सभी गीता जयंती में बजरंग दल इस दिवस को शौर्य दिवस के रूप में पूरे देश में मनाता है। और आज उसी सप्ताह शौर्य दिवस का जो सप्ताह चल रहा था, एक सप्ताह तक पूरे देश में कार्यक्रम होता है, उसमें आज बिहार से जिसका कार्यक्रम है और सब लोग सौर संचलन में भाग ले रहे हैं। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां शिकारपुर थाना क्षेत्र के देउलिया मोहल्ले में स्थित एक डिलीवरी कंपनी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और चोरों ने लगभग 5,74,000 सहित डिलीवरी होने वाले सारे सामान को लेकर फरार हो गए। वहीं इस मामले की सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई। वेंटिलेटर तोड़ा हुआ है पूरा और उसके बाद लॉकर टूटा हुआ है, सीसीटीवी का पूरा डीवीआर गायब है और कई सामान गायब हैं। 6-7 ज़्यादा शिपमेंट नहीं गायब है लेकिन 6-7 शिपमेंट भी गायब है। और कैश मेरा उस दिन हेवी कैश था, 5,74,000 रुपये लॉकर में रखा हुआ था, जो पूरा गायब कर दिया गया। खबर बेतिया से है, जहां सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक के हाथ पैर बांधकर उस पे तेजी से डंडे बरसाए जा रहे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि प्राइम टीवी नहीं करता। वहीं इस संदर्भ में साठी थाना अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी मुझे वायरल वीडियो प्राप्त नहीं हुआ है, पर इस तरह से युवक को बांध कर पीटना गलत है, अगर वीडियो प्राप्त होता है तो निश्चित मामले पर कार्रवाई की जाएगी।
खबर बगहा के रामनगर से है, जहां पारिवारिक विवाद में बीच बचाव करने गए सरकारी स्कूल के एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको आनन फानन में परिजनों की मदद से रामनगर PHC लाया गया, जहां से एक घायल युवक को प्राथमिक इलाज के बाद बेतिया रेफर कर दिया गया। बता दें, इस मामले में पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की। विद्यालय से अपना आ रहे थे छुट्टी करके, रास्ता में एक छोटी माँ है जिसका बेना का नाम है सरे बोलना है, उसी समय हमारा मोटरसाइकिल रोका गया। वहाँ पर 5-6 आदमी थे, लेकिन हम देखे भाई तीन वाली बात, हमने गाड़ी रोक दिया। गाड़ी रोकते मार शुरू हो गया, पर हमको समझ में नहीं आया क्यों मारा जा रहा है। उसके बाद से हमने चेहरा देखा तो हम उसमें तीन आदमी को बढ़िया से पहचान सके, राहुल मिश्रा, हिमांशु मिश्रा, एक ठो छोटू पाठक कहा जाता है। मारपीट का जख्मी मरीज 5 रुपया गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर में जख्मी हालत में पहुंचे। उनका नाम बृजनाथ तिवारी, दूसरा घनश्याम तिवारी है। बृजनाथ तिवारी थोड़ा सा ज़्यादा ही जख्मी है, दाहिने पैर में उनको दर्द ज़्यादा है, सूजन है, राइट साइड चेस्ट में पेन आ रहा है। खबर भागलपुर से है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिस्म फरोशी का धंधा करवाने वाले गिरोह का खुलासा किया और उन्होंने एक युवक समेत 3 महिला को गिरफ्तार किया। वहीं इस पूरे मामले में बरारी ASP ने इस पूरे मामले में जानकारी दी है। गुप्त सूचना मिली कि बरारी स्थित विकी यादव अपने घर में जिस्म फरोशी यानी सेक्स रैकेट का धंधा चला रहे। जैसे ही ये सूचना मिली, हम छापामारी टीम का गठन किया गया, उसमें CIT के जवान भी और लोकल थाना के जवान भी शामिल थे। जब जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, महिला पदाधिकारियों के साथ समक्ष भी हमने जब छापामारी की, तो वहाँ पे विक्की यादव और सुरेश यादव और एक महिला अभियुक्त, इनका नाम है बीबी रुखसार, ये जो बीच में पिंप या फिर दलाल का काम करते हैं, ये वहाँ पे 2 महिलाएं रखे हुए थे। 2 महिलाएं जो पीड़ित महिलाएं थी, उन्हें भी यहाँ से मुक्त कराया गया है और उनके बयान पे इन सभी लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता कृष्णा पटेल हमसे जुड़ेंगे। कृष्णा, सूचना के आधार पर जिस्म फरोशी का धंधा करवाने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है, युवक समेत महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? ये मामला बरारी थाना अंतर्गत का मामला है। गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। विक्की यादव पहले भी अपराधी के खिलाफ में लिप्त था, ड्रग्स के सिलसिले में पहले भी वो जेल जा चुका था और फरारी भी चल रहा था, जिसको लेकर के छापामारी किया गया। तो उसके बाद ये पता चला कि ये जिस्म फरोशी का धंधा पहले से भी बहुत सारी जगह पे कर रहा है, जैसे कालगांव थाना अंतर्गत बहुत सा इसका नेटवर्क बहुत फैला हुआ है। कृष्णा, इसमें युवक समेत महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है, तो इसमें अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? SSP सर ने बताया कि जो मतलब इनका नेटवर्क खंगारा जा रहा है, जो जो इसमें सम्मिलित और भी सेक्स रैकेट में जो जो सम्मिलित पाया जाएगा, उनका कॉल डिटेल निकाला जा रहा है, कॉल ट्रेस किया जा रहा है, जो जो भी जिसमें महिला हो या जेंट्स हो, सारे लोगों का गिरफ्तारी जल्द से जल्द किया जाएगा। धन्यवाद कृष्णा तमाम जानकारियों के लिए। खबर भागलपुर से है, जहां औद्योगिक थाना क्षेत्र के LIC कॉलोनी के पास जमीन विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की जमकर पिटाई कर दी और इस दौरान विवाद में 8-10 राउंड फायरिंग हो गई, जिसमें एक युवक को गोली लग गई और 4 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में किया जा रहा है। दिलीप नाम का था, टिंकू था, सब करवा रहा है गोपाल मंडल। कौन है गोपाल मंडल? गोपाल मंडल विधायक है, गोपाल वही है डायरेक्टर इसका। जमीन हथियाना चाह रहे? हाँ, मेरा जमीन हथियाना चाह रहा है। ये 0 माइल थाना के तहत, हाँ, कुमार सिंह चौक है ना, हाँ, इसी के आगे LIC है और उसी के आगे क्या हम सब तो मतलब अभी इसके साथ आए हैं, गिरावट गोली मारा है। हाँ, गोली लगा है।
इस खबर पर हमारे संवाददाता कृष्णा पटेल हमसे जुड़ेंगे। कृष्णा, जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, वहीं विवाद के दौरान 8 से 10 राउंड फायरिंग भी की गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? ये मामला 0 माइल थाना अंतर्गत का मामला बताया जा रहा है। जमीनी विवाद में पहले भी वहाँ पे गोली चली हुई थी, इस पे साफ साफ आरोप लगाया जा रहा है कि गोपालपुर के विधायक पुत्र ने ही गोली चलाया है, जिससे बुरी तरह से घायल हो गया, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में चल रहा है। इस पूरे मामले पर कृष्णा अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? अभी तक में औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत तो पुलिस से हमारी बातचीत भी हुई, तो उसने साफ साफ गिरफ्तारी के लिए छापेमारी किया जा रहा, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी धन्यवाद कृष्णा तमाम जानकारियों के लिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर मधुबनी से है, जहां जयनगर प्रखंड के देवदा दक्षिणी पंचायत के उमराही गांव स्थित कमला शाखा नहर पर पुल निर्माण को लेकर तीसरे दिन तक अनिश्चितकालीन धरना जारी है। बता दें इस दौरान मधुबनी जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव समेत अन्य जन प्रतिनिधियों ने धरना का समर्थन दिया है। कि जिस तरह से एक्सिक्यूटिव साहब ने एक रात में पुल निर्माण का सारा प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया, और जो आज आजादी के 70 साल के बाद भी नहीं हो पाया था, वह माननीय जिला परिषद अध्यक्षता के प्रयास से घंटों में हुआ है। इसीलिए हम तमाम लोग इनका आभारी हैं, और धरना समाप्त होने की बात है, अभी वार्तालाप अंतिम दौर में चल ही रहा है, 10 मिनट के बाद आप माननीय अध्यक्षता से मिलके चलेंगे। पुल का प्रपोजल भेजने के लिए, तो पुल का प्रपोजल हम भेज रहे हैं बनाने की, फिर आगे जैसा विभाग कार्रवाई करेगा उसके आगे काम होगा। तो इन लोगों की मांग थी, उसके लिए क्या कर किया जा रहा है? तत्काल में क्या, तत्काल में टेम्परेरी व्यवस्था कुछ रहेगा, तो अभी तो जैसे सूखा है, तो मान लीजिए वो सीधा भी जा सकते हैं। की संख्या में ग्रामीण जो खेती करते हैं वो लोग उपस्थित हैं यहाँ। किसी ने भी, चुनाव का समय नहीं है कि हम लोगों ने गाड़ी भेज के, पैसा भेज के वोटर्स को एकदम दिखाने के लिए लाए हुए हैं, जनता को कहीं और ब्लॉक से या किसी और जिला से उठा के। ये धरातल के ग्रामीण है यहाँ पर, इनकी जो समस्या है आज के डेट में, 1.5 किलोमीटर इनको NH से चल के जाना पड़ता है, इनका अपना जमीन अपना खेती करना। खबर नवादा से है, जहां तेज रफ्तार से आ रही बस ने टेलर गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसमें करीब 15 लोग घायल हो गए और 5 घायलों का हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। दलवाद साइड से बलियापुर से एक बस आ रही थी, उसी में मेरे फैमिली वाले भी कुछ लोग थे, मतलब मेरे फैमिली के लोग थे, इत्तेफाक से मतलब उस बस का एक्सीडेंट तो हुआ ये कि मतलब जैसे 3 बजे के राउंड एक्सीडेंट हुआ, 3:15 बजे के राउंड एक्सीडेंट हुआ, और उसी टाइम पे मतलब कि हमें पता चला कुछ समय के बाद, तो सब लोग निकले, तो लेकिन उस टाइम पे मजबूरी में, मेरा घर दूर था,
और ये इधर हॉस्पिटल भी वहाँ से आने में अराउंड आधे से पौन घंटे का टाइम लगता है। तो उतने देर में हमने बहुत ट्राई किया एम्बुलेंस के नंबर पे, हम लोग को तीन नंबर प्रोवाइड किया गया 100, 101 और 102। तीनों नंबर पे मैंने लगभग अच्छा लगभग 25-30 कॉल से ज़्यादा ट्राई किया होगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उधर से। सूचना मिला है 5 बजे कि धनारी मोड़ के आगे आदित्य होटल में के आसपास टेलर में एक अरमान बस टक्कर मार दी है, जिसमें 10-15 लोग घायल हैं। घायल मरीज अथी के लेकर पुलिस पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल लेके चल गए। उसके बाद हम आए तो देखें कि दोनों गाड़ी लड़ा हुआ क्षतिग्रस्त है। रोहतास जिले के डेहरी स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल 2 में आयोजित 10 दिवसीय सच्चिदानंद अखौरी विशेष पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता रविवार को संपन्न हो गई, जिसके बाद वीपी पू 2 के परेड ग्राउंड में रंगारंग कार्यक्रम में विजेता टीमों को पुरस्कृत किया गया। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पटना जोन के IG सह VSAP IG विनय कुमार मौजूद रहे। वहीं मौके पर IG ने इस दिवसीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता में ऑल ओवर चैंपियन का खिताब दिया। खबर नालंदा से है, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह जनसंपर्क अभियान पर निकले और इस दौरान मंत्री RCP सिंह ने राजगीर विधानसभा क्षेत्र के मुस्ताफपुर महमदपुर रामजीकक नगमा गांव में जनसंपर्क कार्यक्रम किया। बता दें इस दौरान RCP सिंह ने क्रिकेटर ईशान किशन के बहाने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। सब बिहार का बच्चा लोग हमारे गांव में जाइए, सब क्रिकेट खेलता है और सबके जुबान में भी ईशान अपना जो लड़का है किशन, ईशान किशन के कर रहे ना, क्यों कि साहब डबल सेंचुरी मार दिया। लेकिन बिहार सरकार को शर्म आनी चाहिए, नीतीश बाबू को सोचना चाहिए कि आप उसे बधाई क्या दे रहे हैं। लड़का खेलता कहाँ से, पैदा लिया बिहार में और खेलता झारखंड से। आपने बिहार में कोई स्पोर्ट्स की सुविधा नहीं बनाई, क्रिकेट की सुविधा नहीं बनाई, तो नीतीश बाबू को तो खेल कूद से मतलब नहीं, उनको एक ही खेल आता है राजनीति वाला, कैसे पलटी मारा जाए। लेकिन कम से कम जो उनके उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय तेजस्वी जी, वो क्रिकेटर हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा तेजस्वी जी से कि बिहार के बच्चों में इतना अच्छा टैलेंट है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, तो कम से कम क्रिकेट के लिए इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में बना लीजिए कि हमारे बिहार के बच्चों को झारखंड जाके क्रिकेट ना खेलना पड़े। निकाय चुनाव पर सभासद प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में जनसंपर्क कर स्थानीय जनता को विकास कराने का आश्वासन दे रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान सभासद उम्मीदवार सायरा खातून ने बताया कि वार्ड नंबर 19 विकास कार्य नहीं हुआ है, अगर जनता का साथ मिला तो बिना भेदभाव के राशन कार्ड, आवास योजना, नालियों की सफाई कराई जाएगी, साथ ही जनता का हर संभव मदद का आश्वासन दिया। रामनगर नगर परिषद से उप सभापति उम्मीदवार हूँ। मैं एक गरीब ड्राइवर की बेटी हूँ। मेरे पिता ने खुद भूखा रहकर मुझे शिक्षा का वो मुकाम दिलाया जिससे मैं हर कमजोर की आवाज़ बन सकती हूँ। मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, मैं जनता के हक के लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हूँ। तो हम लोग तो चुनावी नहीं हैं, हम लोग मौसम वाले लोग नहीं हैं, हम लोग 12 मास जनता के बीच रहे हैं। हाँ, एक मौका आया है कि चुनाव लड़ना है, पद पाना है। ये हकीकत है कि बिना पद के कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, पद अगर रहता है तो आदमी के पास लोगों की सेवा करने का और मजबूती से दावेदारी बनती है। बिहार की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। नमस्कार। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की,
अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम।